हाथरस जो मामला है वो कितना गंभीर, कितना संवेदनशील विषय है। और सही बात है कि वहां पर नाकामियों को अगर उसका एक लिस्ट बनाई जाए तो उसमें भाजपा सरकार से लेकर के और जो स्थानीय प्रशासन है वो सब घेरे में आएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर सबसे बड़ी बात यह है कि हमने जो आज अपना मुद्दा चुना है वो है रामगोपाल यादव का ये बयान। रामगोपाल यादव का बयान एक तरह बेहद वो ठीक नहीं है, मगर दूसरी तरफ हमने ये भी देखा कि अखिलेश यादव की तस्वीरें शेयर कर दी गई के साथ, हालांकि वो उसका खंडन करते नजर आए और कहा गया कि इस पर जांच हो जाए अगर कुछ सच है तो। यानी कि मामला इतना संवेदनशील है उसके बावजूद समाजवादी पार्टी हो या फिर भारतीय जनता पार्टी हो इस राजनीति पे उतर आए। आपको लगता है संजय गुप्ता जी कितना ये सही है, इस मामले में राजनीति करनी चाहिए? हमारे जो समाजवादी पार्टी से बैठे हुए हैं जी उनकी लड़के हैं, गलती हो जाती है, ऐसे होता ही रहता है। ऐसे प्रोफेसर रामगोपाल यादव के बयान ये बताते हैं कि विपक्ष की संवेदनशीलता समाप्त हो चुकी है। उनमें इतने बड़े हादसे को लेकर के संवेदना व्यक्त करने के अतिरिक्त ये सब बातें कह करके, जो वहां पर इतना बड़ा हादसा हुआ है, उनके पीड़ित परिवारों के साथ संवेदना व्यक्त करने के अतिरिक्त ये सब बातें कह करके वो ये बता रहे हैं कि विपक्ष सिर्फ राजनीति करना जानता है। अगर कोई हादसा हो जाए उन्हें सिर्फ राजनीतिक सवाल जवाब करने होते हैं। भारतीय जनता पार्टी बहुत संवेदनशीलता के साथ और सारे कार्यवाही तुरंत ही, हमारे मुख्यमंत्री वहां पहुंच गए, भारतीय जनता पार्टी पूरी निष्ठा के साथ और पूरे संवेदनशीलता के साथ काम कर रही है। अब जो प्रशासन के लिए, प्रशासन अपना काम कर रहा है, जहां गलती है, गलती जितने लोगों के लिए वहां परमिशन ली गई थी उससे ज्यादा लोगों को इकट्ठे करने का काम जो उन्होंने वहां पर किया उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी, और जो जो लोग दोषी होंगे उनके साथ पूरी कार्यवाही करके उनको अपराध जिस संज्ञा में आते होंगे उनके अपराध में के साथ उनके साथ कोताही नहीं बरती जाएगी। मान लिया मैं कि ये कहना आपने चाहता हूं कि ये जो ये बात बताइए। आपने मानी कि वहां पर क्षमता से ज्यादा और परमिशन से ज्यादा लोग आ गए थे, मगर आप ये बताइए कि अगर 80,000 लोगों की परमिशन ली जाती है तो 1 लाख लोग आ जाएंगे आप जान नहीं पाएंगे, 1.5 लाख लोग आ जाएंगे आप जान नहीं पाएंगे, मगर जब 3 लाख 4 लाख लोग इकट्ठा हो जाएंगे तब भी स्थानीय प्रशासन जान नहीं पाता है, तब भी स्थानीय प्रशासन को पता नहीं लग पाता है जैसा ये। कि अभी पता चला है कि उन लोगों का जो उन्होंने जो अपने सिस्टम बना रखा था उसमें प्रशासन की दखलंदाजी नहीं करने दे रहे थे, और इनका जो इनके जो सेवादार थे वो प्रशासन को कहीं अंदर तक नहीं आने दे रहे थे। इसके इसके विषय में भी जांच कमेटी बैठा दी गई है, और जो भी दोषी होंगे उनके साथ, जो इसमें भी संजय दोषी गुप्ता होंगे जी उनके साथ कार्यवाही की जाएगी। आप एक गजब बात कह रहे हैं कि मतलब एक एक जगह पर एक शहर के अंदर कोई कोई कार्यक्रम कर रहा है, वो क्षमता से ज्यादा लोगों को इकट्ठा कर रहा है और आप कह रहे हैं कि उनके लोग प्रशासन को ही अंदर घुसने नहीं दे रहे थे, तो यानी कि आप प्रशासन को कमजोर मान रहे हैं, आप तो खुद ही सवाल उठा रहे हैं अपनी सरकार पर और अपने प्रशासन उनकी जो व्यवस्था थी वो जी अपनी व्यवस्था अपने आप संभाल रहे थे। वो जी वहां पर इस तरीके का उनका आयोजन होता है और धार्मिक आयोजन कहकर के वहां पर कार्यक्रम चल रहा था, जिसमें प्रशासन को इस बात का ज्ञान नहीं हुआ, और अब प्रशासन लगा हुआ है इसको खोजने में कि ये इतने लोग कैसे इकट्ठे हुए।